हाँ तो भाई, आज की इस वीडियो में हम आपको वंडर शेयर फिल्मोरा 9 में वाटरमार्क को हटाना सिखाएंगे। यानी जब भी आप फिल्मोरा 9 में कोई भी वीडियो एडिट करते हैं और जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे फिल्मोरा 9 का वाटरमार्क आ जाते हैं। तो इस वाटरमार्क को कैसे रिमूव करना है या कैसे हटाना है, आज हम आपको यही सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और यहाँ से मैं अपना वंडर शेयर फिल्मोरा 9 यहाँ से ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं अपना वीडियो एक्सपोर्ट करता हूँ जिस वीडियो को मुझे एडिट करना है। यहाँ से मैं ये वीडियो सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके अपने टाइमलाइन पे लाता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं इस वीडियो को एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये वीडियो लंबी है तो यहाँ से मैं इसको जस्ट यहाँ से इतना सा रहने देता हूँ और यहाँ से मैं इस हिस्से को रिमूव करता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ। और जस्ट हम यहाँ पे इस हिस्से पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस पे 2-3 ट्रांजिशन यूज़ करूँगा। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन यूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं ट्रांजिशन में आता हूँ और उसके बाद फर्स्ट ट्रांजिशन में ये वाला यूज़ करूँगा और सेकेंड वाला ये ट्रांजिशन यूज़ करूँगा। और यहाँ से मैं अगेन आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट मैंने 2 ट्रांजिशन यूज किया है और उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने अपनी वीडियो को एडिट कर लिया है और उसके बाद आपने यहाँ से करना है एक्सपोर्ट। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएंगे। उसके बाद जाहिर बात है हमने पे तो नहीं करना है और यहाँ से आपने कंटिन्यू यूज एज आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री प्लान, यहाँ पे आपने कंटिन्यू यूज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आ चुका है ऑटोमेटिकली और यहाँ से मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। एक बार मैं इसको पॉज करता हूँ और यहाँ पे आप सेंटर में देख सकते हैं फिल्मोरा 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्मोरा वाटर मार्क का निशान यहाँ पे आ रहा है। तो इस वाटर मार्क को कैसे रिमूव करना है, उसके लिए आप यहाँ से इसको कट कर दें और यहाँ से आप इसको मिनिमाइज कीजिए और यहाँ से आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसको ओपन कर दें और उसके बाद यहाँ से आपने टाइप करना है फिल्मोरा की। तो यहाँ पे मैंने फिल्मोरा की टाइप कर दिया है और उसके बाद आप इसको सर्च कर दें और उसके बाद यहाँ से आप फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड कोई भी लिंक ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये फर्स्ट वाला ओपन करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएंगे। और उसके बाद यहाँ से आपने अपने वाईफाई को टर्न ऑफ करना है या आप जो भी नेट यूज़ कर रहे हैं उसको ऑफ ऑफ कर दे। यहाँ से मैं अपने वाईफाई को ऑफ करता हूँ और उसके बाद अगेन आप अपने फिल्मोरा की स्क्रीन पर आ जाइए और अगेन आप इसको एक्सपोर्ट कीजिए। तो इस बार आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेंगे और यहाँ से आपने जाना है एक्टिवेट में और यहाँ से उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं क्लिक हेयर, इसके फर्स्ट वाले पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपने फिल्मोरा का की यूज़ करना है, उसके लिए मैं इसको बैक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से आपने कोई भी पेयर यहाँ से यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं ये फर्स्ट वाला यूज़ करूँगा तो यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ से फिल्मोरा में आना है और यहाँ से आपने इसको ऊपर वाले में पुट करना है और अगेन आपने यहाँ से आना है और इसको सेकंड वाले को भी कॉपी करना है और यहाँ पे आपने इसको पुट करना है और उसके बाद आपने इसको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे हमारा वंडर शेयर फार्मूला हैज़ बीन रजिस्टर्ड, तो हमारा यहाँ पे ये की रजिस्टर्ड हो चुका है और यहाँ से आपने जाना है ओके में और उसके बाद आप यहाँ से इसको कट कीजिए। और उसके बाद अगर आपने अपनी वीडियो को नेम देना है तो यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फिल्मोरा का की नज़र नहीं आ रहा है। तो इस मेथड से आप इजीली फिल्मोरा में से वाटर मार्क को रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको इस तरह की मजीद वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।